लगे हुए हैं सर, हमारे आज के विषय पे। हाँ, इम्पोर्टेंट पार्ट है डेट ऑफ रिटायरमेंट। जैसे अगर आप देखेंगे ना तो काफी सुबह हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 29 अप्रैल 2024 और आज रिटायरमेंट है हमारे चार इंचार्ज, जिनमें पहले हैं रिजी साबू, मालिनी सोनी, एंजेलिना रंजन एंड सुमन लूथरा। इन चारों इंचार्जों के रिटायरमेंट के लिए बहुत ही शानदार अरेंजमेंट किया जा रहा है। आज पहली बार इस तरीके से फोटो लगा के बैनर तैयार किया गया है। ये मेमेंट जो कि नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ GTV हॉस्पिटल के द्वारा सभी इंचार्जों को दिए जाएंगे एक याद के रूप में। ये बन के तैयार हो चुके हैं और आ भी चुके हैं हमारे पास, ये बुके और फूल मालाएं रखी हुई हैं यहाँ पर। ये हैं हमारे इंचार्ज एंजेलिना रंजन और उनके बच्चे, और ये यहाँ पर्दे के पीछे रेजी साहू सिस्टर को सजाने के लिए। और आज भी हमारी रेजी सिस्टर आज भी वही हंसता हुआ चेहरा, हमारी रोशनमा सिस्टर मोस्ट ब्रिलियंट एंकर विद फुल कॉन्फिडेंस में। और ये हमारी दो इंचार्ज हैं न्यूरो सर्जरी ICU की, बहुत अच्छी सिस्टर हैं। मुझे बढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे ऑफिसर। यहाँ धीरे धीरे लोग वहाँ आ रहे हैं। ये हमारी जो चारों सिस्टर हैं, ये हमारी रिटायरमेंट कमेटी है, उसके बहुत ही अच्छे कर्मठ कार्य करता है। सच में इनकी बदौलत ही इतना अच्छा रिटायरमेंट पार्टी ऑर्गेनाइज हो पाती है कि मैं हर बार वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं इनके लिए बोलता हूँ, लेकिन शायद यही नहीं सुन पाते। वोट ऑफ थैंक्स में इनके लिए मैं बोलता हूँ हमेशा। मुझे इनके ऊपर गर्व है, ये बात मैं अपने दिल से कह रहा हूँ। मुझे सच में गर्व है कि इनकी बदौलत हमारे GTV में इतना अच्छा प्रोग्राम होता है। शायद पूरी दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में रिटायरमेंट प्रोग्राम नहीं होता, ये इनकी बदौलत होता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को, जो जो इस वीडियो को देखते हैं, उनके लिए कहना चाहता हूँ कि इनकी बदौलत हमारी जो रिटायरमेंट कमेटी है, इनकी बदौलत बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज। अभी आप ये शुरुआत है, अभी आप अंत तक देखना, बहुत ही अच्छी तरीके से पार्टी ऑर्गेनाइज होगी, बहुत ही शानदार तरीके से। रिटायरमेंट में जिनका नाम है, ये हमारी रेजी साबू सिस्टर हैं, इनके साथ मैं करीब नहीं तो 12 साल से हूँ। इनका जो अंदाज है, जो पहले दिन था वही आज अंदाज आज भी है, यही दिल खुश अंदाज इनका, बहुत ही शानदार। हाँ साथ, हाँ रस्ते, सच में ये इसी थीम पे चली है। ये हमारी ग्रेसी सिस्टर, ये तो हमारी माँ है। बहुत ही अच्छी, हाँ आप वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं हमारी कामनी सिस्टर की दिल की भावनाएं। ले लिए फोटो तो मैंने ले लिए। हाँ ये बहुत ही अच्छा, हाँ ये चीज पहले क्यों नहीं बताई। मैं अगर इवनिंग नाइट में हूँ तो मेरे लिए खाना लेके रखेंगे। अरे वाह, बताएंगे पूरा अगले महीने सारा, मैं बताऊंगा। हाँ अगले महीने मैं भी बताऊंगा, आप भी बताओ। हाँ अरे बहुत शानदार, अगर नेक्स्ट मंथ हमारी ग्रेसी सिस्टर का रिटायरमेंट है, बहुत ही शानदार तरीके से होना है। प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है, प्रोग्राम की शुरुआत में मैडम जो लाइन में है, ये नेक्स्ट मंथ मई 2024 में रिटायर होने वाली है।
माला पहना रही है हमारी सुमन लूथरा मैडम को। ये साड़ी सब भी आती है आज। ये हमारे अनुज जी हैं, बड़े बुजुर्ग भी आए हैं। हाँ हाँ, अरे भाई मैं इनकी वजह से ही आया हूँ यहाँ। मैं सजीतर का नाम भूल गया, नहीं कुछ इंसिडेंट बताया था मालनी सिस्टर के साथ में। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्यों बोला था। थैंक यू सिस्टर्स। नाउ नेक्स्ट अंशलीना राजन। आप सबने अपनी लाइफ के बहुत साल दिए हैं डिपार्टमेंट से, बहुत साल दिए हैं, और जो आप छोटी छोटी यादें छोड़ के जा रहे हो यहाँ पर वो हमेशा याद रहेंगे। हम यहाँ पर क्या लेकर क्या जाएंगे, कुछ नहीं लेकर आएंगे, सिर्फ एक यादें लेके जाएंगे। तो हम क्यों ना अच्छी यादें लेके जाएं, और वो कि आप सब सिस्टर्स ने यहाँ पर एक बना रखा है कि यहाँ रिटायरमेंट करते हो, सबको विशेस देते हो, गेट टूगेदर करते हो, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें बंद नहीं होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। पार्टीज फंक्शन सब चलते रहने चाहिए। कोई जा रहा है वो ये नहीं है कि वो आज जा रही है, उन्होंने हॉस्पिटल को बहुत सारे साल दिए हैं, उन्होंने वुमन केयर के लिए बहुत अपना टाइम डेडिकेट किया है। और मैं इनकी फैमिली से जो भी आई हूँ उनको भी थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी respected our businessmen and हमारी सभी senior nursing officer,
सभी नर्सिंग ऑफिसर और हमारे आज के विशेष मेहमान, चार विशेष मेहमान और हमारे सभी विशेष मेहमान के सभी परिवार के सदस्यगण, आज की इस रिटायरमेंट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं सभी सिस्टर्स जो अभी रिटायर होने वाली हैं, बस मैंने एक सिस्टर के साथ साथ में काम किया है, बाकी सभी हमारे सभी मुझे टाइम टू टाइम हमेशा डिपार्टमेंट के बाद मैंने देखा, एक माँ और बच्चों की तरह देखा है। बहुत एक अच्छे शालीनता के स्वभाव के साथ उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को मेंटेन किया, मैनेज किया। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जहां पर भी आप आज की रिटायरमेंट के बाद अपने सामाजिक जीवन को एक अच्छी खुशियों के साथ हेल्दी और वेल्दी लाइफ के साथ में जिए, यही हमारी जीटी सिस्टर एजी साधु जैसे आप में सबसे बड़ी तारीफ है कि इसमें सब कुछ समाया हुआ है। सिस्टर रेजी के साथ मैंने ड्यूटी नहीं की, पर उनका नेचर, उनका स्वभाव शायद आपके सामने देखने से खुद ही पता चलता है। तो मैं पूरे नर्सिंग परिवार जीटीवी की तरफ से भी हम सिस्टर रेजी के लिए उनके हेल्थी और हेल्थी लाइफ की शुभकामनाएं देते हैं। डायरेक्टली एचआईसी में थे, कभी भी हमारे डिपार्टमेंट में राउंड के लिए आते थे। बहुत अच्छे तरीके से एचआईसी मैनेजमेंट को इन्होंने, मैं सिस्टर के साथ में जितना भी मैंने अटैच हुए, जितना हमने सुना, बहुत एक अच्छे नेचर की और बहुत मिलनसार सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का चेहरा हमने देखा इनमें। तो मैं इनकी भी एक नर्सिंग परिवार पूरे जीटीपी की तरफ से हेल्दी और वेल्दी लाइफ की शुभकामनाएं देते हैं। अब मैं माननीय सिस्टर के लिए थोड़ा सा जरूर बोलना चाहूंगा, इनके साथ मैंने काम किया है सच में इनके अंदर, क्योंकि देखो मैंने इनके साथ काम किया है तो शायद इनके बारे में और कुछ ज्यादा बोलना चाहूंगा। बहुत एक डेडिकेटेड, क्योंकि मेन इमरजेंसी के अंदर काफी साल हम लोगों ने साथ में काम किया। छोटी सी भी कोई बात हो जाती थी तो यही बात इनकी सुनते थे, और आज भी मैं सच में इनका चेहरा देखता हूँ तो पर दिल से बहुत बहुत सॉफ्ट और बहुत डेडिकेटेड, काम के प्रति डेडिकेटेड। तो बहुत अच्छा रिलेशन हमारा सिस्टर के साथ में रहा काम के प्रति, और मैं बस क्या कहूंगा कि बहुत ही रियल में दिल से बहुत अच्छी हैं। बस मैं इसी तरह से मैं एक बार फिर से इनका पूरी परिवार और सभी की तरफ से और हमारे नर्सिंग परिवार जीटीबी की तरफ से सिस्टर मालवी के लिए भी हेल्दी और वेल्दी लाइफ की शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर से मैं सभी हमारे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स, सिस्टर सुमन लूथरा, सिस्टर अंजलिना रंजन, सिस्टर रेजी साबू और माननीय सिस्टर सभी के लिए एक बार हम पूरा नर्सिंग परिवार जीटीबी की तरफ से और नर्सिंग एसोसिएशन जीटीबी की तरफ से बड़ी बड़ी शुभकामनाएं देते हैं। और एक और चीज हम कहते हैं कि कभी भी अगर हम आपके फ्यूचर में किसी भी काम के लिए, आपके अगर कोई भी काम में बाधा हो, किसी भी तरह की कोई भी समस्याएं हो, तो पूरा नर्सिंग देर तक जाना, साथ में अपने नर्सरी में पूरा काम करना और अपने नर्सरी स्टाफ में जो समन्वय है वो बहुत अच्छा है मुझे लगा। अपने आप उनके सहयोगियों के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में आप कैसा एक रिश्ता रखते हैं, आप अपने कंसल्टेंट के साथ में, अपने पोस्ट ग्रेजुएट, तो ये बहुत फर्क करता है। और जहाँ तक मेरा एक मतलब जो मुझे याद आ रहा है, जैसे सपोज अगर मैं किसी क्यूबिकल में राउंड ले रहा हूँ नर्सरी में, अगर सिस्टर सुमन आ जाती थी तो मतलब मेरा अटेंशन राउंड ना होकर पहले उनको सुनना होता था, या कह लीजिए इतना एक दूसरे के प्रति सम्मान था कि अगर सिस्टर इंचार्जेज अगर हमारे राउंड के टाइम पे आ रही हैं तो मतलब ये मान के चलता था सिस्टर सुमन अगर आई हुई है तो जरूर कुछ ना कुछ बात हुई होगी। सो मैं अपना ज़्यादातर अगर सिस्टर को याद होगा तो मैं अपना राउंड रोक देता था, मैं पूछता था सब ठीक है ना सिस्टर,
हो सकता है बीच में कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं तो इन बिटवीन द राउंड भी डिस्कस करना पड़ जाता है, कहीं साइन करने होते हैं। तो हम जो हमारे और उनके बीच में जो था एक जो सम्मान था वो आई थिंक बहुत ही अलग तरीके का था, और उस चीज़ को मैं अभी भी याद करूँगा हमेशा कि अगर नर्सरी में घुस रहे हैं और वो अगर सामने मिल जाते हैं आपको और सिर्फ आप एक सेंटेंस पूछते हैं कि सिस्टर सुमन सब ठीक है ना, और सिस्टर सुमन ने अगर मुस्कुराते हुए चेहरे से बोल दिया नहीं सर सब ठीक है, तो एक अजीब सा सुकून आपको महसूस होता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यूनिट में यहाँ सब कुछ ठीक है। तो ये जो कॉन्फिडेंस जो आपने हमको दिया इतने सालों तक वो बिल्कुल अद्वितीय रहेगा, और हम सभी लोग आपको बहुत मिस करेंगे, एक आपकी बहुत अच्छी लीडरशिप के लिए, एक बहुत अच्छा यूनिट चलाने के लिए, और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि आप स्वस्थ रहें सुखी रहें, ये मेरी मंगल कामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर। यू फॉर हैविंग मी हियर हैप्पी बिकॉज नाउ शी गेट टू डू ऑल द थिंग्स दैट शी ऑलवेज वांटेड टू डू एंड सैड बिकॉज आई नो दैट शी इज गोइंग टू मिस दिस प्लेस अ लॉट। जीटीपी हमेशा हमारे सभी के लिए बहुत स्पेशल रहा है। जीटीपी में ही मेरी मम्मी पहली बार मदर बनी, मैं फर्स्ट टाइम मदर बनी, एंड एज ए यंग गर्ल हमेशा कई बार मैं मम्मी के साथ आती थी और स्टाफ नर्सिंग स्टाफ को इतना वर्क करते हुए देखती थी। आई वॉज ऑलवेज इंस्पायर्ड, आई ऑलवेज यूज टू थिंक वाओ, मतलब दिस इज सच अ ग्रेट वे टू बैलेंस योर लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ। सो दिस थिंग इज ऑलवेज गोइंग टू स्टे विद मी दिस लेसन। Plus, I've always seen my mother working very hard. She used to get up at 4 o'clock, but every day 4 o'clock, she will get up, get ready, and she will be back by 5 o'clock in the evening, 5 or 6, sometimes 8 or 9. So I have seen her going through this cycle on and on and on for 37 long years. So it is a commendable thing that she has achieved, and it always inspires me. की लड़ी सी है छाई, आज विदाई की घड़ी है आई, हम दे रहे मन से तुम्हें दुआओं के साथ शुभ विदाई। थैंक यू। थैंक यू बेटा। रेस्पेक्टेड एनएसमैन, लाइक टू थैंक एंड एवरीवन ऑफ यू फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम टू कम टुगेदर फॉर माय रिटायरमेंट प्रोग्राम। It has been a beautiful journey with you, full of events, memories, emotions and accomplishments. I am fortunate I was in such a beautiful team throughout my time here. I would like to thank everyone who was in this journey with me, and I would like to say sorry if I did anything wrong to anyone and intentionally. Thank you so much, the entire team. I mean, you have said all. Sir has put it very well. I mean, the way you have seen her closely, we were the way we were doing work. Just as I have told you, that in this way, so every small thing for her, not poor but very particular about things. She is exactly the same at home as well. If we have made tea and chini ka intezaam by rakh diya hai, it has to be the same place. If it is not, you are done. You are gone. So that discipline that you see at work of hers is very much the same at home. And sometimes we were like, just the video condition. मैं वहीं था जहाँ आप हैं, कहाँ रखा है आपको बताना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका दिन गया. You have to be very particular at home. So the way you see her in hospital is the same she's at home. And I think watching Vishnu and watching myself with her, growing with her, we have learned new journey that she has. And we continue to do the same. Whatever she he is today is just because of her. Wherever the husband is, it's just because of her. Wherever I am today, standing here, just the way she mentioned, like being the family member, you are always connected somewhere down the line. There are many times I was like, ill, jet lag. Now he is, but then I was like, with the profession that we are in, we are not keeping well. Upset stomach. Agle din hospital pe. I burned my foot. Agle din hospital pe. It was all thanks to her. When whatever we are today is because of her. All I wish her on this auspicious journey a very good luck and very.
good and auspicious health. I mean, good health and auspicious life for it. Thank you. Thank you, Vekha. Reggie Saab to speak a few words. Shall I give the mic to you? Okay, now Akhil, please come forward. First time he's here. And everyone here, and a big thank you to all the staff, management, and my mom's colleagues who made this possible. Not gonna lie, I'm really bad at making speeches, so I'm just gonna give it a go, make it short and sweet. So it's been a very special day for me and my family. My mom's retiring after being in the service of almost 30 years here, incredibly balancing her work and family life together. This is a story of a very pretty girl with the most beautiful smile, moving away from the southern part of Kerala with a lot of dreams, away from her hometown, friends, family, to a big city, hoping for a better future for her own small family one day. My mom didn't have anything easy in her life. She went through a lot of hardship, but she never made any excuses. She started supporting our family at a very young age, only to provide us a better life. After her dad passed away when we were young, I don't know how she fought, how she dealt with that, but she fought through life's complex challenges with a very high willpower, looking after me and my brother, single mom. I know she must be wondering how to deal with her retirement life, as she has always devoted her life to work. But let me remind her, she out of you, and we love you so much. Thank you, okay. Now I have put in the call of you. Bahut acha laga, yahan mein paper ab ja rahi hu, to 30 years ho gaye mujhe. Budha nahi lag raha, aap sabki yaad bhi aayi. Thank you. I request John. मैंने भी अपनी आधी लाइफ उसी हॉस्पिटल में बिताई है मेरे भाई के साथ. और हम लोग मम्मी हमें पढ़ाई पढ़ाने के लिए यहाँ पे लाती थी. हम लोग वहाँ भागते थे. We used to like run around everywhere just to study, you know, अगले next exam से. And it was a great journey though. आधी चीज़ तो मेरे भाई को पता है. मम्मी के साथ वो भी डायग्नोस करता है पहले. So if you are looking for a cheap doctor, and he's doing a PhD in chemistry, so yeah, there's a doctor you can see. And thank you, mother, for your struggles and life you have given us. Thank you, everyone, for coming here and celebrating this auspicious moment with my mother and all of the sisters who has given this struggle to the service of other people. It's a Lord's work, and we all are here to rejoice there. 30 years of work, right? More or less, right? 30 years. And you are looking so beautiful, young. I mean, these young girls here, they might be feeling so complex right now. Yeah. Thank you all. Thank you. यार उनका दिमाग हर समय चलता रहता है. लाइक आज सुबह से हम लोग 15 काम कर चुके हैं. एंड टुडे इट्स अ डे ऑफ रिटायरमेंट. और सुबह इन लोग ने वॉशिंग मशीन लगा दी कि कपड़े धोने. मैंने कहा आपको तैयार होने के कपड़े धोने आपको कि नहीं ये सब भी करना है. तो व्हाट शी हैज टॉट मी ऑल हर लाइफ के यू विल हैव योर स्पेशल मोमेंट्स बट यू विल ऑलवेज हैव टू बी वर्किंग हार्ड एंड ऑलवेज हैव टू बी फोकस्ड. एंड शी इज सच अ क्यूट मदर एंड शी इज क्राइंग इट्स लाइक बर्निंग माय हार्ट. बट तीनों मदर्स जो तीनों रिटायर हो रहे हैं तीनों की पासपोर्ट पक्का बना होगा. तीनों उड़ रहे होगा क्योंकि तीनों को अच्छे आहार है ना. टिकट बुक कर दिया? अभी नहीं, अभी वीसा अप्लाई करेंगे. तो अभी वीसा अप्लाई करने के आपको कोई एनओसी की जरूरत नहीं है. आप फ्री बर्ड्स ना वीसा अप्लाई करो, टिकट निकलवाओ, ले जाओ, सबको ले जाओ. अभी कोई एनओसी की टेंशन भी नहीं है हॉस्पिटल में. इस कुर्सी से उधर कुर्सी जाओ. Why we could leave this place? Okay, that's true. Okay. Now, from the
Sonia Sharma from Nursing Department sharing few words. It is an honor to welcome you all to this special event, which is both bitter and sweet. As our respected senior nursing officer, Sister Sumil Mutra, is retiring after 37 years of service. She worked in NICU for the last 22 years as a workplace. Without you, ma'am, you are the खुद में विश्लेषित हो क्या चित्रण करूं मैं आप खुद में विश्लेषित हो नारियल जैसी कठोर और अंदर से सुरभित चंदन हो विदाई की इस बेला पर आज आंखें झलक सी गईं ऐसा लगता है परिवार का सबसे बड़ा और सबसे काबिल इंसान हमें छोड़ कर गया आपकी कमी को हर पल महसूस करेंगे हम आपकी कमी को हर पल महसूस करेंगे हम जहां भी रहो खुश रहो यही दुआ करेंगे हम इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दो पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देती हूँ आप इस कार्यालय की वो कल्पवृक्ष हैं मैम जो हर बाग में नहीं खिलते आप इस कार्यालय की वो कल्पवृक्ष हैं मैम जो हर बाग में नहीं खिलते वो खुशनसीब होते हैं जो आपकी छत्र छाया में रहते हैं थैंक यू वी मिस यू अ लॉट विश यू अ वेरी ब्यूटीफुल हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ अहेड मेरा नाम योगेश चौधरी पता तो लग ही गया होगा वार्ड 17 की तरफ से मेहनत से ऑफिसर और मैं सिर्फ माली मैम को जानता हूँ थैंक यू सो मच मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अपन हॉस्पिटल के अंदर आए थे तब हमसे एक फॉर्म भरवाया गया था ठीक है जिसके अंदर डेट ऑफ ज्वाइनिंग और साथ में आता है डेट ऑफ रिटायरमेंट तब इस डेट की वैल्यू पता नहीं थी आज यहाँ पर आकर ये पता लग रहा है कि वास्तव में अपनी लाइफ का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डेट ऑफ रिटायरमेंट बहुत से ऐसे बंदे हैं जो जॉब करने के लिए आते हैं एक पर्टिकुलर जिस जगह पर उन्होंने जॉब स्टार्ट करी है उसी जगह से उनको रिटायरमेंट मिले ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मैं वार्ड 17 की तरफ से सभी को हमारी एमएस मैडम एएनएस मैम सबको मैं रेस्पेक्टेड मैम को थैंक यू कहना चाहता हूँ हमेशा सपोर्ट बनाए रखने के लिए वार्ड 17 के अंदर माली मैम ने स्पेशली मेडिसिन जैसा हैक्टिक डिपार्टमेंट शायद एनएस मैम को पता लग ही गया होगा मैक्सिमम बंदे आते हैं जिनका ट्रांसफर करते हैं वो दो या तीन दिन के अंदर अपना नाम लेकर जाने की कोशिश करते हैं कि हमारे को यहाँ पे नहीं करना लेकिन माली मैम ने अकेले ने वो वार्ड संभाला ये इनकी आप देख सकते हो कि किस लेवल पे इन्होंने वर्किंग अकेले वार्ड 17 मेडिसिन जो कि आईसीयू से भी बदतर कंडीशन में 8 से 12 पेशेंट हमारे यहाँ पे वेंटिलेटर पर रहते हैं लेकिन इन्होंने कभी हमारे को अकेला कभी नहीं छोड़ा हर टाइम पर हमेशा साथ में अवेलेबल खड़े रहे तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच मैम और वार्ड 17 की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद अब अपनी लाइफ की जो सेकंड जर्नी ऑफ लाइफ है उसको बहुत अच्छे से जिए ठीक है थैंक यू सो मच थैंक यू मैडम मैनेजर जी आइए प्लीज स्टैंड फॉर अ फोटोग्राफ ऑफ द बहुत धन्यवाद दोस्तों मैम वैसे कि आप बताओ आपको इस पूरे प्रोग्राम में जब से शुरुआत होती है तब से लेकर अब तक वो सारे प्रोग्राम जैसे सम्मान करना वो तो है ही लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो सबसे लास्ट में है वो है वोट ऑफ थैंक्स वोट ऑफ थैंक्स में मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे रेस्पेक्टेड बक्सो मैम हमारे सभी ENS मैडम हमारे सभी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बाहर से आए हुए हमारे नर्सिंग ऑफिसर और सबसे ज्यादा धन्यवाद तहे दिल के साथ करना चाहता हूँ आप सभी का जो आप अपना समय देते हो यहाँ पर और हमारे हाँ दे दो रजिस्ट्रेशन को हो गए भाई जाओ हो गया